बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में देखे तो हीरो द्वारा अपनी हीरोइन का कंपैरिजन चांद की खूबसूरती के साथ करने संबंधी सैकड़ों फिल्में मिल जाएंगी। तो क्या हकीकत में भी कोई शख्स अपनी बीवी के लिए चांद का टुकड़ा लाकर दे सकता है? तो जवाब में सुनने को मिलेगा कि बहुत दुर्लभ। मगर हिमाचल प्रदेश के जनपद कांगड़ा के शाहपुर निवासी हरीश महाजन ने ये कारनामा कर दिखाया है। हरीश महाजन ने अपनी धर्मपत्नी पूजा सूद के जन्म दिवस पर चांद का वो टुकड़ा लाकर गिफ्ट किया है, जिसकी पूजा ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल हरीश महाजन पेशे से एक रियल एस्टेट कारोबारी है, जो कि चंडीगढ़ में देवभूमि रियल एस्टेट नाम से अपनी कंपनी रन करते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल लूनर लैंड सोसाइटी के जरिए चांद के लेक ऑफ ड्रीम्स नामक स्थान पर एक एकड़ जमीन खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री के कागजात अपनी बीवी के जन्म दिवस के खास मौके पर उन्हें उपहार के तौर पर सौंपे हैं। हरीश की धर्मपत्नी अपने पति के इस दुर्लभ प्रेम से बेहद खुश है और इसे सपना साकार होने जैसा नहीं बल्कि ऐसा तो सपने में कभी ना सोचने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत से ही कई सहेलियों नाते रिश्तेदारों के फोन आ रही हैं और हर कोई उन्हें इस खूबसूरत और दुर्लभ गिफ्ट के लिए बधाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही वो चांद पर जा सके या ना जाए, मगर आने वाली उनकी पुश्तों के लिए यह गिफ्ट जरूर फायदे का सौदा साबित होगा। वहीं हरीश महाजन की माने तो उन्होंने ये सब अपनी बीवी के प्रति अपने प्रेम के चलते किया है। भले ही ये सब आसान नहीं था, मगर बीवी के प्यार के आगे ये कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि पहले तो ये काम बड़ा पेचीदा था, मगर जब उन्होंने रिसर्च किया तो पाया कि देश की बड़ी हस्तियों और कुछ लोगों ने चांद पर न्यूयॉर्क की एक एजेंसी के जरिए जमीन खरीदी है, तो उन्होंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया और आज उसमें उन्हें सफलता मिल गई है। काबिले गौर है कि हरीश महाजन कभी 2000 रुपए मासिक जॉब किया करते थे। उसके बाद वो फोर्ड कंपनी में 2.25 लाख की नौकरी छोड़कर अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते थे। मगर आज वो परिवार और वो बिजनेस दोनों का प्रबंधन भली भांति कर रही हैं। हरीश महाजन चांद पर जमीन खरीदने वाले प्रदेश के दूसरे शख्स बन गए हैं। इससे पहले ऊना के एक बिजनेसमैन ने अपने बेटे के नाम पर चांद पर जगह खरीदी है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ठीक है, ये मैंने मतलब कहानी ये मुझे कहीं से इंस्पिरेशन मिली थी, कहीं न्यूज़ में पढ़ा था, न्यूज़ चैनल्स पे देखा था कि शाहरुख ने खरीदी है, सुशांत राजपूत ने खरीदी है। तो उस वक्त मन में ख्याल आया था कि मैं भी क्यों नहीं ले सकता हूँ। तो जस्ट टू डिस्क्राइब माई लव फॉर माई वाइफ एंड फीलिंग्स आई बॉट इट, इसीलिए मैंने खरीदी। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट इंक्वायर किया कि कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये USA की कंपनी है लूनर रजिस्ट्री करके, जिन बाकी लोगों ने भी इसी एजेंसी के थ्रू ली थी, तो मैंने भी उसी एजेंसी में अप्लाई किया एंड दे गोट द डीड डन। देखो, ये एक सोच है, मैंने वही बात की थी आपसे पहले भी कि ये एक सोच है। मे बी आज नहीं, टेक्नोलॉजी डे बाई डे टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती जा रही है। आज से 10 साल पहले जो होता था तो हम ये सोच नहीं सकते थे जो आज हो रहा है, कि ये हो सकता है कि नहीं। आजकल वर्चुअल उसका टाइम चल रहा है पूरा, मतलब आप यहाँ बैठे हो, कहीं कभी सैर कर सकते हो बैठे बैठे। तो मे बी हम पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, कल को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हो या नहीं हो, बट ये एक सोच जो जुड़ी हुई थी वो प्यार से, कि मतलब प्यार को चांद के साथ हमेशा कंपेयर किया जाता है। तो मेरा वही था कि मैं अपनी वाइफ को कुछ ऐसा गिफ्ट करूँ जो अलग हो। देखो, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। वो डेफिनेटली उस एजेंसी से आप संपर्क करेंगे तो डेफिनेटली दे विल लेट यू नो बेटर, वो अच्छे से बता पाएंगे। मैं शाहपुर का रहने वाला हूँ और मैं अभी चंडीगढ़ में अपना व्यवसाय करता हूँ। चंडीगढ़ में मेरा रियल एस्टेट का ही व्यवसाय है। देखिए, कुछ चीज़ें पर्सनल रहती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 2000 मैंने 1650 की भी जॉब की है, जब मैंने 97 में मैं दिल्ली में MBD ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन में अपनी जॉब स्टार्ट की थी, तो वो 1650 रुपये से मैं सारा राजस्थान विजिट कर, मार्केटिंग की ही जॉब थी। हाँ, बाकी खर्चे साथ में होते थे, लेकिन सैलरी मेरी 1650 ही होती थी। फिर मैं 1.5 साल बाद चंडीगढ़ आ गया, मैंने डेबू में करियर स्टार्ट किया, तो मैंने अबाउट 2000 प्लस से ही करियर स्टार्ट किया था। तब भी मैं सेल्स मार्केटिंग में ही था, लाइक गाड़ियों के शोरूम में जैसे सेल्स वो होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, तो वैसे मैंने स्टार्ट किया था करियर। फिर ऐसे ही 16 साल ऑटोमोबाइल्स में मैं तरक्की करते करते पहले सेल्स मैनेजर बना, फिर सेल्स हेड बन के मैंने जो है जॉब छोड़ी।
जो है वो करे ये और आपको एकदम लगे। से ऐसा हुआ क्योंकि 2009 में मेरी शादी, वाइफ मेरे डीएवी शिमला में रेगुलर जो ऊपर बाजार में बालाजी स्वीट से पीछे डीएवी की प्राइमरी ब्रांच है वहीं पे जॉब करते थे ये, ठीक है। बेटा हुआ मेरा 2011 में, तो मुझे सोचा कि अगर मैं ऐसा लगा रहूँगा तो ये मैं बिकॉज ऑफ मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, बाकी सब था चल पैसा, मतलब आई थिंक 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया काफ़ी होता है महीने का आपके उसके लिए, लेकिन टाइम नहीं होता था। ये शिमला से भी आते थे मेरे से मिलने पर मेरे पास टाइम नहीं होता था क्योंकि मैं रात को 10-11 बजे आ रहा हूँ, संडे को भी मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर मन में आया कि अगर ऐसे अब बेटा हुआ है मुझे टाइम तो देना पड़ेगा, और तब मैं कि ये नौकरी में रह पाया तो जॉब शेड्यूल मेरा और टाइट होता जाएगा, तो इट्स बेटर कि मुझे अपना कुछ शुरू करना चाहिए। तो मैं फिर रियल एस्टेट के व्यवसाय में आया। देखो मैं कोई नाम या लाइमलाइट में कभी भी नहीं रहना चाहता, ना कुछ ऐसा है। अब भगवान की दया से काफ़ी है, जॉब में जो मैं कर पा रहा था उससे बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो इसमें अब कोई मन में ज़्यादा वो इच्छाएं नहीं बची हैं कि हाँ मुझे ये करना है। हाँ अब ये है कि बच्चे के लिए और वाइफ के लिए कुछ करना है ज़िंदगी में, तो वो बस उन्हीं के लिए है जो भी है। अपनी सारी इच्छाएँ मेरी पूरी हो चुकी हैं, जो मैंने ज़िंदगी में सोचा उससे काफ़ी ऊपर अच्छा कर रहा हूँ। नहीं, मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कल ही इन्होंने बताया है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस तरह का गिफ्ट तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा। और मतलब मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब मुझे पता था कि ये ऐसे तो मतलब जब इन्होंने मुझे बताया है कि मैंने इस तरह से तुम्हारे लिए सोचा है और जब इन्होंने मुझे पेपर्स वगैरह दिखाए, मतलब मुझे ये था कि ये मतलब मजाक तो नहीं है, बट फिर भी मेरे लिए थोड़ा शुरू में यकीन करना इस पे मुश्किल था कि मतलब चांद पे ज़मीन, वो भी मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैं गुस्सा तो नहीं आया बट मतलब मैं तो आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कर रही थी कि मतलब मेरे पति ने मेरे लिए इतना सोचा। मतलब अदरवाइज ऐसा हमने कभी सुना नहीं, कभी सोचा नहीं कि हम जैसे लोग भी मतलब इस तरह से कुछ इतनी दूर का सोच सकते हैं या कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे ये मेरे पति ने मतलब गिफ्ट एज अ टोकन ऑफ लव दिया है, तो मतलब गुस्सा करने का तो नहीं। हाँ, ये एक सोच ज़रूर आई कि अभी तो मतलब चांद पे वहाँ पे ज़मीन ली है तो कैसे जा पाएंगे। लेकिन अब आगे से आगे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस होती जा रही है। चलो मे बी हम लोग वहाँ पे ना जा पाएँ, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो कुछ ना कुछ तो मतलब आने वाले टाइम में होगा ही। जो है वो गिफ्ट नहीं, किया। इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं और मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि वही है, प्यार का जो मोल है वो लगाया नहीं जा सकता। तो मैंने एक बार भी उनसे पूछा नहीं कि कितना है, क्या है, कैसे है। मतलब मैं भी इस चीज़ को प्यार, मैटर ऑफ लव, टोकन ऑफ लव लेके ही चल रही हूँ। तो मतलब अगर उन्होंने ऐसा किया है, सोचा है, किया है, तो मतलब एक अच्छा डिसीज़न है ये भी। और मैं बहुत खुश हूँ। कब्जा लेने तो देखो अब कब जाते हैं, होप करते हैं कि हो वो भी टाइम आए जाएं। ओ तो अब अभी बहुत जल्दी है कुछ बोलना इस बारे में, लेकिन वही है कि अगर हम नहीं जा पाएंगे कोई बात नहीं, आगे वाली जनरेशन जाएंगी। वो सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, सुबह से मतलब बहुत खुश हैं सारे, बधाइयाँ दे रहे हैं, बहुत खुश हैं। तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें तुम्हारे पति ने इतना मतलब अच्छा, इतना यूनिक गिफ्ट दिया है, तो सब बहुत खुश हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शाहपुर से राहुल चावला की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।